नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम आपको बताएंगे, वर्ल्ड कप की सरगर्मी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होने वाला है। 1975 से शुरू हुआ वर्ल्ड कप 2019 में पहुंच गया। इसके साथ ही इसकी लोकप्रियता भी पूरी तरह से दिनों पर दिन बढ़ती चली गई। 30 मई से विश्व कप का आगाज होने वाला है। इसके लिए सभी टीमों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। भारत क्रिकेट विश्व कप 2019 में पसंदीदा में से एक के रूप में प्रवेश करेगा। विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साउथहैम्पटन में 5 जून को अपने टूर्नामेंट की शुरुआत करेगी। इससे पहले मेन इन ब्लू न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ 2 वार्म अप मैच खेलेगा। अन्य टीमों के साथ अन्य 8 वार्म अप मैच भी होंगे। आपको बता दे कि स्टार स्पोर्ट्स ने पुष्टि किया है कि सभी 10 अभ्यास मैचों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। 24 मई से वार्म अप मैच की शुरुआत होगी और 28 मई को यह खत्म हो जाएगा। इन मैचों में आधिकारिक मैच की स्थिति नहीं है क्योंकि प्लेइंग 11 पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 24 से 28 मई प्रत्येक दिन 2 वार्म अप मैच निर्धारित है और भारतीय टीम अपने 2 वार्म अप मैच क्रमशः 25 मई न्यूजीलैंड के साथ और 28 मई बांग्लादेश के साथ खेलेगी। ये मैच दोपहर 3 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से IST से शुरू होंगे। यह देखते हुए कि मैच सभी अनौपचारिक प्रतियोगिता है, टीम अपने क्षेत्र रक्षण या बल्लेबाजी की अवधि के दौरान किसी भी 11 खिलाड़ियों को मैदान में उतारने के लिए स्वतंत्र है। टीम फील्डिंग करते हुए अपने सभी गेंदबाजों को मौका दे सकती है और अपनी बल्लेबाजी के दौरान सभी बल्लेबाजों को मौका दे सकती है। इसी प्रकार अगर बाकी टीमों की बात करें तो 24 मई को 2 मैच होंगे, जिनमें पहला मुकाबला पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ होगा और दूसरा मुकाबला श्रीलंका के साउथ अफ्रीका के साथ खेला जाएगा। वहीं 25 मई को भी 2 मुकाबला होगा, जिसमें पहला मुकाबला इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा और दूसरा मुकाबला भारत का न्यूजीलैंड के साथ खेला जाएगा। 26 मई को भी 2 मुकाबले होंगे, जिनमें पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका का वेस्ट इंडीज के साथ होगा और दूसरा मुकाबला पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ खेला जाएगा। वहीं 27 मई को इस वार्मअप मैच में सिर्फ एक ही मैच होगा, जो इंग्लैंड का अफगानिस्तान के साथ खेला जाना है। 28 मई को आखिरी वार्मअप मैच होगा, जिसमें 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच वेस्ट इंडीज का न्यूजीलैंड के साथ होगा और दूसरा मुकाबला भारत का बांग्लादेश के साथ होगा। आइए हम अब आपको वार्म अप मैच के कुछ नियम बताते चलते हैं। वार्म अप मैच ICC के टूर्नामेंट की तैयारी के लिए खेला जाता है और आमतौर पर इसे ICC द्वारा निर्धारित किया जाता है। असल में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा जाता है, जबकि प्लेइंग 11 की खेलने की अपेक्षा से वार्म अप मैच के नियमों में कोई बदलाव नहीं होता है। मूल रूप से ICC ने कहा कि वार्म अप मैच आयोजित किया जाता है ताकि टीम में उपलब्ध अपने सभी खिलाड़ियों का परीक्षण हो सके। एक टीम को टॉस के दौरान अभ्यास मैच के लिए प्लेइंग 11 को जमा नहीं करना पड़ता है और वे किसी भी बल्लेबाज को टीम से बल्लेबाजी के लिए भेज सकते हैं। आमतौर पर टीम अपने मुख्य बल्लेबाजों को बल्लेबाजी के लिए भेजती है, यानी जो उनके दस्ते में उन सभी 8 या 9 बल्लेबाज होते हैं। एक और बात जो टीमों में आमतौर पर देखा जाता है वह ये है कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में बल्लेबाज को वापस बुला लिया जाता है जब वो अपना अर्धशतक या शतक पूरा कर लेते हैं, जिससे बाकी बल्लेबाजों को भी खेलने का मौका मिल सकता है और टीम उस दस्ते से चुनने में सक्षम होना चाहिए। अब जब गेंदबाजी की बात आती है तो हर गेंदबाज को गेंदबाजी करने की अनुमति होती है जो टीम में होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसने पहले बल्लेबाजी किया है या नहीं किया है। संक्षेप में यह 15 खिलाड़ियों के साथ खेले जाने वाला खेल है, जहां सभी खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं लेकिन टीम के पास सिर्फ 10 विकेट है। इसी तरह वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम आपको तुरंत देते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। शुक्रिया।